दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके पास दोबारा से वीडियो भेज रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं मक्का की खेती के बारे में। मक्का की खेती जो कि ज़्यादातर लोगों की बुवाई हो चुकी है और निराई हो गई है, कहीं एक एक सिंचाई भी मक्का की खेती में हो गई है। और बरसात अधिक होने की वजह से भी कुछ लोगों की लेट हो गई है, तो उनकी बुवाई अभी तक चल रही है और ज़्यादातर लोगों की मक्का की बुवाई हो चुकी है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि मक्का की बुवाई करने के पश्चात मक्का की खेती में क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मक्का की जर्मिनेशन हर जगह हो चुका है, लेकिन जो इस समय पर सुड़ी लगती है मक्का की खेत में, और सुड़ी मक्का के जो पौधा होता है उसके तने के लिए काट देती है और उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, बहुत सारे पौधे ख़त्म हो जाते हैं। इससे इसका सीधा सीधा प्रभाव उसके उत्पादन पे पड़ता है। तो सुड़ी की रोकथाम करने के लिए हमको शुरुआत में दवाई लगा देनी चाहिए। उससे ये होता है कि दवा लगा देने से जो शुरुआत में सुड़ी लगती है वो सुड़ी नहीं लग पाती है और वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो आगे चल के हमारी फसल अच्छे से तैयार होने लगती है। किसान साथियों, जब हमारी फसल में लगभग 2 फुट की ऊंचाई हो जाए और पहली सिंचाई का समय होता है, उस समय पे हमको सिंचाई के साथ साथ कुछ उर्वरक देने होते हैं। उर्वरक में हम यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ साथ हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जिंक सल्फेट के लिए हम यूरिया में मिलाकर और खेत में छिड़काव कर देते हैं। उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंचाई के साथ साथ हम उसके लिए जो इरिगेशन के साथ है यानी फर्टिगेशन उसका कर सकते हैं। फर्टिगेशन करने से ये रहता है कि उसका जो पौधे उसका जो उसके जो पोषक तत्व हैं फर्टिलाइज़र के, वो आपकी सिंचाई के साथ जब मिलते हैं तो आपके खेत में वो अच्छी तरीके से फैल के और पूरे खेत में हो जाता है। क्योंकि जो जिंक सल्फेट होती है वो हर जगह पहुंचना उसका संभव नहीं होता है, जहाँ गिरेगी वहीं रहेगी। लेकिन जब उसकी हम सिंचाई के साथ में देते हैं तो पानी के साथ बहकर वो पूरे खेत में पहुंच जाता है, जिससे कि पौधे की जड़ों के लिए आसानी से प्राप्त हो जाता है और पौधा उससे काफ़ी हेल्दी हो जाता है, जिससे कि फसल हमारी अच्छी हो जाती है। किसान साथियों, हम देखते हैं कि कुछ जंगली जानवर होते हैं, उनसे भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनसे नुकसान ये होता है कि वो जब खेत में घुस जाती हैं तो खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। खेत में घुसने से वो काफ़ी पौधों को तोड़ देते हैं और उसको फसल के लिए खाते हैं। तो उनसे अपनी फसल बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक झटका वाली एक मशीन आती है, उसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उससे किसी भी जानवर के लिए बहुत नुकसान भी नहीं होता है। तो उस मशीन को लगाकर और करंट वाला जो तार होता है वो लगाकर हम अपनी फसल के लिए बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कोई भी इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक क्रॉप गार्ड करके दवा आती है, जिसकी दुर्गंध से जंगली जानवर खेत में नहीं आते हैं। उसका छिड़काव हमारे लिए खेत में चारों तरफ और साइडों से उसका छिड़काव करना होता है, जिससे कि उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है। दुर्गंध की वजह से जानवर खेत में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें दुर्गंध ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से वो खेत के दाएँ बाएँ घूम के निकल जाते हैं और फसल में नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल के लिए जंगली जानवरों से बचा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी फसल थोड़ी ठीक ठाक बड़ी हो जाती है तो उसमें फिर से खेत में सुड़ी लगती है। सुड़ी जो गोब में आती है उसकी, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो तने के लिए काटती है और ऊपर से उसका जो गोब होता है गोब के लिए काटती है, और उससे कि हमारा जो पौधा होता है वो काफ़ी काना काना सा हो जाता है, जिससे कि उसके उत्पादन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय पर हमको रोकथाम करने के लिए
कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। कीटनाशक में हम ले सकते हैं कि इंडोस्कार्ब है या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट को ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के लिए हम 30 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट के लिए 15 लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव करते हैं, यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना होता है और आवश्यकता अनुसार पानी का घोल बनाकर हम खेत में उसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि हम हर प्रकार की सुड़ियों को ख़त्म कर देते हैं और फसल के लिए सुड़ियों से बचाते हैं। इसमें सुड़ी मक्का के खेत में कई प्रकार की लगती हैं, एक तो सफ़ेद गड़ार होती है और हैरी कैटरपिलर भी होती है, तो और तना छेदा होता है, पत्ते लपेटा होता है, ये कई प्रकार की सुड़ी इसमें लगती हैं, लेकिन समय समय पर हम इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए इन कीट पतंगों से बचा लेते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम अपनी फसल के लिए कीटों से बचाते हैं। जब फसल में आवश्यकता होती है तब उसकी निराई गुड़ाई भी की जाती है। निराई गुड़ाई करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो पोषक तत्वों के लिए फसल को मिलने से पहले ही ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि फसल पर पोषक तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो हमारे लिए निराई गुड़ाई भी आवश्यक है, जिससे कि हम खरपतवारों को खेत से निकाल दें। खरपतवारों को खेत से निकालने से सबसे बड़ा फायदा, एक तो पोषक तत्व पूरा पूरा मिल जाता है और इसके साथ साथ मिट्टी में जब कर्षण क्रियाएँ होती हैं तो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एरेशन होती है। एरेशन होने से पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है। पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधा भी मजबूत होता है। पौधा मजबूत होता है तो सीधी सी उसका जो प्रभाव है वो उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि मजबूत पौधा होगा तो उसमें भुट्टा काफ़ी बड़ा आएगा और उसमें दानों की संख्या अधिक होगी। हमें सबसे मेन बात इसमें ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी इसमें पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के पश्चात में हमारे लिए खेत को सूखने नहीं देना है, यानी समय समय पर सिंचाई करते रहना है, क्योंकि अगर पहली सिंचाई के बाद हम फसल को सूखा देते हैं या किसी भी प्रकार से फसल को पानी नहीं मिल पाता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपनी खेती की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए मक्का की खेती के बारे में कुछ जानकारी दी। किसान भाइयों, धन्यवाद वीडियो पर आने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। समय समय पर हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता।